हाय व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार इस चैनल पे हमें अनरियलिस्टिक कपड़े ट्राई करने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है, मतलब वो इंटरनेट पे देख के ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, इन्हें कौन पहन रहा है। तो मैंने इस बार बहुत ही अगेन अनरियलिस्टिक टॉप्स एंड आउटफिट्स मंगवाए हैं, देखते हैं एक एक करके पहन के कि हम पे कैसे लगने वाले हैं। बहुत ज्यादा डाउट तो हमें हमेशा ही होता है, बट ट्राई करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरे को मिला है इतना वियर्ड सिर्फ ये चेन वाला टॉप, लाइक इन्होंने चेन ऐसे जोड़ जोड़ के एक ऐसे टॉप बना लिया है। मतलब तुम्हें मानना ये टॉप है तो ठीक है, तो इसमें ऐसे जैसे ज्वेलरी नहीं पहनते ऐसे हुक दे रखा है, वैसे तो तुम इसे माला की तरह भी पहन सकते हो, बट हम इसे एडजस्ट करेंगे। भाई साहब ये थोड़ा सा तो हैवी है ही, मेरे को लग रहा है कि ऐसे बेसिक प्लेन व्हाइट आउटफिट पे अच्छा जाएगा। यार ये ठंडी लग रही है, चेन दिल्ली में ठंड है यार। ओके नीचे भी हम ऐसे दे रखा है। ओके वी नीड हेल्प एक्चुअली, आइए आइए। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें इसके अंदर कुछ इनर वेयर तो पहनना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बेसिक कैमी टॉप पहन रखा है। ऑल्सो ये टॉप मेरे को अराउंड 1300 रुपए कुछ का पड़ा है। देखो इसने थोड़ा सा आउटफिट तो अपलिफ्ट किया है, बट इतनी भी वो जान नहीं आ पाई है। मेरे को लग रहा है कि ये तो तुम खुद भी DIY कर सकते हो, काफी सारी चेंज या फिर खुद के ऐसे नेक पीसेस वगैरह मिला मिला के जोड़ के कुछ बन जाएगा, या फिर सस्ते में भी शायद कुछ ढूंढ सकते हैं। बट इतनी मेरे को खास बात ये लगी नहीं है। ओके मूविंग ऑन। यार ये वाला कुछ ज्यादा ही और सुंदर लग रहा है। इसमें ना ऐसे मार्बल की रिंग्स दे रखी है एंड उसको जोड़ा गया है ऐसे गोल्ड वाले रिंग से बीच बीच में, तो वो गोल्ड और मार्बल वाला जो कलर डिटेलिंग भी आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। पहन के देखते हैं इसको, ऐसे ही पहनना ये इजी है। ओके वी नीड हेल्प अगेन। ये बहुत टड्डू लग रहा है। ये वैसे बहुत ही हल्के हल्के टॉप्स है, लेकिन प्राइस वाइज मेरे को 1900 रुपए का पड़ा है। ओ माय गॉड, बट ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि इवन विद द बेसिक टू बेसिक ड्रेस ब्राउन कलर पे भी कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मेरे को कुछ समझ में आया एंड स्टाइलिंग वाइज भी लाइक इस पे भी अच्छा लग रहा है। और भी तुम यू नो बहुत तरीके की स्टाइलिंग तो कर ही सकते हो। पीछे से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, आई लाइक इट। ऑल्सो ये सारे वन साइज में, ऐसा नहीं कि मैंने लाइक अपना एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर स्मॉल कुछ मंगाया, नो इट्स जस्ट वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट ये मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, ऐसे बिल्कुल कॉस्ट्यूम टाइप कुछ लग रहा है कि लाइक अलग से कुछ आर्मर टाइप बनाया गया है ये मेरे लिए, आई लाइक इट। अरे बहुत ही हल्का है, मतलब पैसे वाइज नहीं बट वैसे बहुत हल्का है। मूविंग ऑन, हमारा फेवरेट पर्ल में मुझे कुछ ये बिल्कुल ऐसे जाल लग रहा है, स्पाइडर वेब बट सुंदर पर्ल वाला। ये एक ड्रेस है लाइक प्रॉपर ड्रेस एंड नीचे ऐसे टैसल्स भी दे रखे हैं। भाई साहब ये तब बज रहा है मेरे हाथ में, ये काफ़ी हैवी है एंड ये पैसे वाइज भी बहुत हैवी है। ये मेरे को अराउंड 3700 रुपीज़ का पड़ा एंड ये मेरे को बहुत ही डर लग रहा है पकड़ते हुए, क्योंकि इसमें ना ऐसे गैप आ रहे हैं प्लास्टिक वाले एंड ये बहुत ही पतले प्लास्टिक थ्रेड से इन्होंने शायद ये किया हुआ है। ऐसा लग रहा है ये टूट जाएगा कभी भी, इट्स वेरी हल्का दैट वे, बट ट्राई करते हैं इसे पहनना कैसे है। ये पहन के अच्छे लग रहे, ये अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट जो मैंने अंदर छोटी वाली स्कर्ट पहनी हुई थी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबी स्कर्ट भी चल जाएगी, अदरवाइज तुम पैंट भी पहन सकते हो। नीचे मैंने अपने फ्लीस लेंग्स, भाई साहब किसी ने लिखा था सोनिया दी शोइंग अस हाउ टू स्टाइल फ्लीस इन लाइक 1000 वेज, वो चल रहा है अभी इस चैनल पे। तो एक्चुअली में फ्लीस लेंग्स बहुत ज्यादा काम आ रही है एंड ऊपर तुम हाई नेक या फिर कोई शर्ट भी पहन सकते हो सैटिन, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। अभी विंटर्स है तो मैंने तो स्वेटर पहन रखा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मेरे को, बट ये पहन के एकदम से ना इसने फिट ले लिया है मेरा लाइक बॉडी का, ये अच्छे से मेरे को हग कर रहा है, बिल्कुल भी खुला नहीं लग रहा है। अगेन ये एक वन साइज में ही है, इसमें कोई साइजेस अवेलेबल नहीं है एंड ये ऐसे डीप भी आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अंदर ऐसे कवर अप पहन रखा है तो ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये तो सजेस्ट करूँगी कि DIY कर लो, लेकिन अगर आप मुझे कोई बोलेगा कि DIY कर लो, मुझे तो आता नहीं है, तो आई गेस उसी बात के पैसे, क्योंकि काफ़ी बड़ी पीस है ये तो मेहनत तो काफ़ी लगी है, ऐसे डिज़ाइन देना भी ईजी बात तो नहीं है। आई गेस इसी वजह से ये वाली चीज़ें ना ऐसी अनरियल लिस्टिक्स या मतलब किसी के लिए बहुत ही यूनिक रेयर फाइंड हो सकती है, किसी के लिए ये एवे लाइक वेस्ट ऑफ मनी है। तो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट इट और नॉट। मेरे को एक डिस्को ब्रालेट टॉप मिला, इट्स ऑल मिरर वर्क, वैसे इसमें और भी कलर्स है बट मेरे को ये पिंक वाला कितना प्यारा लग रहा है। इसके पीछे वैसे ब्लू दे रखा है, मेरे को लग रहा है इसे उल्टा भी करके पहन सकते हैं, यू कैन गो क्रेजी विद द स्टाइलिंग। आओ माला पहन लेते हैं पहले। इसके एडजस्टमेंट है, आई गेस ये कुछ ज्यादा ही लूज है, ये मेरे यहाँ आ रहा है, इसको नेक से भी टाइट करना पड़ेगा। ये बज रहा है, ये थोड़ा ऐसे लाइक कॉन्सर्ट पार्टी ऐसा कुचेला वाली वाइब दे रहा है ये मेरे को। भाई साहब ये दिखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड और नॉट गोना लाइक थोड़ा फनी भी लग रहा था, बट पता है पहन के ये अच्छा लग रहा है, इट्स काफी डिफरेंट, काफी यूनिक एंड ये 1200 रुपए का, तो मेरे को
लाइक अफोर्डेबल साइड में लगा, लाइक नॉट टू महंगा नॉट टू सस्ता एट द सेम टाइम. बट हाँ, इसमें अगेन बहुत सारी स्टाइलिंग, बहुत सारे आउटफिट्स निकल कर आ सकते हैं एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट इवन विद द हाई नेक टॉप. इमेजिन तुम अपने विंटर आउटफिट्स को थोड़ा ऐसे चमकदार बना रहे हो, तो वो भी थोड़ी सी अच्छी बात हो गई है. एंड वैसे मैंने नीचे ऐसे अपनी फ्लेयर वाली बिल्कुल बेबी पिंक वाली स्कर्ट पहनी है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. कुछ डिफरेंट सा ही निकल कर आया, बिल्कुल थोड़ी मर्मेड वाली फील नहीं आ रही. येस, मैं मर्मेड लग रही हूँ. आई लाइक इट. वाओ, वैसे तुम इसमें डिफरेंट कलर्स भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट आई डोंट नो, आई लाइक इट. वैसे ये थोड़ा बीच वाइब भी दे. ओ हाँ, अगर बीच पे पार्टी हुई तब भी अच्छा लगेगा. वाओ, सारी लाइट्स ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, वो भी यहाँ से. ओके, मूविंग ऑन. बिल्कुल ही चमकता हुआ, इतना ज़्यादा शाइन मार रही है पूरे रूम में. इसमें धूप पड़ रही है तो इतना प्यारा लग रही है. मेरे को 1800 रुपये का पड़ा है. आई होप ये मुझे चुभे ना. ओके, लेट्स ट्राई. ठंडा. ओके, ये तो ऐसे ही आ गया मेरे को. वाह, मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट फिट लग रहा है इस कैमी टॉप के लिए. पीछे से ये बांधना पड़ेगा. थैंक यू मनी अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द फिटिंग. ऐसा लगता है फिटिंग सही आ जाती है ना चीज़ों की, तो आधी स्टाइलिंग तो वैसे ही हो जाती है. ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही बना है. बट अगेन, तुम इसको कैसे भी टाइट लूज कुछ. ओह यार, ये पीछे से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है. इनफैक्ट इसका स्ट्रैप भी बहुत प्रिटी लग रहा है. स्ट्रैप पे भी सेम ही वो राइनस्टोन दे रखा है जिसका ये ऐसे टॉप बना रखा है. लेकिन मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो हम इसके ऊपर कुछ ऐसे लेयरिंग कर लेते हैं. ये बिल्कुल ऐसे राइनस्टोन वाली ब्रालेट वाली वाइब देगा. फिर लुक सो क्लासी. ओह माय गॉड, बिल्कुल ही एक लुक बन गया मेरा. ऐसा लग रहा है किसी इवेंट वगैरह में भी पहन के जा सकती हूँ मैं. इट लुक सो नाइस एंड क्लासी. ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस. आई नो ये थोड़ा 1800-1900 रुपये का, बट मेरे को लग रहा है लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाइज ये काफ़ी अच्छा है. एंड थोड़ा हमेशा लगता है अगर किसी चीज़ को देख के तुम्हारे दिमाग में 5, 6, 10 आइडियाज़ भी आ जाना कि तुम इसे रीस्टाइल कैसे कैसे कर सकते हो, That is always a good investment. And I think मैं इसको बहुत तरीके में स्टाइल कर सकती हूँ, तो मुझे पर्सनली तो ये काफ़ी अच्छा लगा. अगेन, इसकी स्ट्रैप, इसका बैग भी बहुत ही प्रिटी. ये मुझको थोड़ा यूनिक डिफरेंट वाला लगा. हमारे पास है बिल्कुल ऐसे सिप्पी बीट वाला कुछ. ये बिल्कुल मेरे को ऐसे गोवा वाली वाइब दे रहा है. आई गेस ये चीज़ें वहाँ पर भी बहुत ईजिली मिल जाती है. ये मेरे को 1200 रुपये का पड़ा. लेकिन खास बात इसमें यह कि जो इसमें ये बीट है, ये थोड़े से ऐसे शाइन एंड कलर दे रहे हैं, लाइक थोड़ा सा मल्टी कलर आ रहा है. अगर इस पर धूप वगैरह लाइट पड़ रही है तो आओ एक और माला वाला टॉप पहन लेते हैं. ओके, हमारे बाल ही टक गए चेन में. वनी एक बार हेल्प करो. तो ये मैंने अपनी ऐसे बीच ड्रेस पे पहना है. बहुत ही बेसिक ऐसे प्लेन ब्लैक है, लेकिन ऐसे हल्का सा कट बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड उसके ऊपर इसने तो चार चांद लगा ही दिए. ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. आई थिंक इट इज़ सूटिंग दिस ड्रेस एंड ऑन मी एज वेल. ही काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर हम ऐसे कर ले तो इसकी चेन छुप गई है एंड ये ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ही अटैच कुछ आया हुआ है. आई लाइक इट. ये काफ़ी मिनिमल लग रहा है. दिखने में अनरियलिस्टिक है बट पहनने के बाद डूएबल एंड ऐसा लग रहा है कि स्टाइल किया जा सकता है. इतना ज़्यादा वियर्ड नहीं लग रहा है एंड काफ़ी हल्का 1200 रुपये का पड़ा है. मुझे पीछे से कुछ इस तरीके से इस जस्ट अ चेन ऊपर भी है. मुझे ये हैरानी हो रही है कि ये एक्चुअल में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है. पास से देखो यार. एंड इसमें ना काफ़ी अच्छे से लाइक इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है. ऐसे झालर भी दे रखी है. काफ़ी अच्छा लग रहा है. हल्का प्यारा सा बज भी रहा है ना. ऐसे बीच की याद आ रही है मेरे को. जल्दी से ठंड खत्म हुए, हम बीच पे जाए. ओके, नेक्स्ट मेरे को वैसे तो बिल्कुल ही प्लेन ऐसे नॉर्मल क्रिस्टल वाली ब्रालेट टॉप है, लेकिन नीचे से राइनस्टोन दे रखे. ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है. ये थोड़ा सा हैवी भी है एंड ये 1800 रुपये का है. ओके, लेट्स ट्राई इट. ये मेरे को लग रहा है इसके ऊपर नहीं जा रहा है ड्रेस के ऊपर. लेकिन अगर हम सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दें तो ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. आई गेस वी हैव टू चेंज इट. आई गेस ये बेसिक ब्लैक टॉप के ऊपर लाइक कैमी टॉप के ऊपर अच्छा लग सकता है. ये ऐसे स्ट्रैप्स तो छुप जाएंगे बालों से. ये ट्रांजिशन भी कितना अच्छा लग रहा है ऐसे स्किन से ब्लैक होता भैंसा. ये बिल्कुल ही ऐसे झालर वाइब दे रहा है मेरे को. बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है बिल्कुल पार्टी मस्त वाइब्स ही आ गई है इसकी. बट या इट्स फॉर 1800 रुपीज़. बट आई डोंट नो इतनी महंगी चीज़ें क्यों इतनी सुंदर लगती है. ऑब्वियसली तो सुंदर लग रहा है. पीछे से तो अगेन इट्स जस्ट चेन, इट्स कम्प्लीटली नंगू. बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. अगेन इस पर कवर अप वगैरह भी कर सकते हैं एंड आगे भी तुम किस भी तरीके का इनर वेयर चूज कर सकते हो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो. बट हाँ, ये वाला फिर भी थोड़ा सा अफोर्डेबल हो सकता है. ये मेरे को 700 रुपये का पड़ा है एंड ये थोड़ा ऐसे पुराने वो नहीं आते थे लाइक लाइट लैम्प्स के ऊपर ऐसे वाली चीज़ लगी होती थी. ये बिल्कुल वैसी वाली वाइब दे रहा है. इट्स मल्टी कलर्ड एंड इसको तो मैं ऐसे ही पहन सकती हूँ आई गेस. थोड़ा ऐसे बटरफ्लाई टॉप वाला वाइब नहीं दे रहा है आगे से. आई काइंड ऑफ लाइक इट. वैसे ये थोड़ा सस्ता भी है ना, तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है. इनफैक्ट ये बेसिक अगेन लाइट पिंक टॉप पिंक पूरे उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा जा रहा है. पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है.
जस्ट अ चेन, सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू वेयर समथिंग, अदरवाइज तो पूरा ही इज जस्ट आउट देयर इन द ओपन. तो जो नेक्स्ट टॉप है वो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, लेकिन इस बार हमने कोई डिफरेंट स्टाइलिंग करी है, इस बार हमने इसे अंदर पहना है एंड ये बिल्कुल ही ऐसे रेड बर्गंडी से कलर में है एंड इस पर बहुत ही सारे ऐसे छोटे छोटे राइनस्टोन्स ऐसे चिपके हुए हैं एंड नीचे राइनस्टोन्स की हमें टैसल भी दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है. वैसे इसको तुम ऊपर भी पहन सकते हो, अंदर भी पहन सकते हो, तो ऑब्वियसली जो उसकी राइनस्टोन्स एंड जो शाइन थी वो मैं चाहती थी कि दिखे, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे मैश वाला टॉप पहने ताकि वो वाली शाइन भी बरकरार रहे. तो थोड़ा ऐसे 90s बॉलीवुड ऐसे यू नो डिस्को वाली वाइब दे रहा, तो मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है. आई गेस ये कलर भी मेरे पे सूट कर रहा है, इससे और भी कलर्स थे एंड ये वाले में साइज़ 1 साइज़ नहीं था, ये एक्चुअली मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया एंड मेरे को बहुत ही अच्छे से फिट आया है. ये मेरे को अराउंड 1000 rupees का पड़ा है. मेरे को लग रहा है कि ऐसी नॉर्मल ब्रालेट्स तो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाती है. आई गेस इस पर जो वर्क दे रखा है बहुत ज़्यादा, जो कि डिटेल्ड एंड ऑल ओवर है, तो उस बात के पैसे हैं, बट स्टिल मेरे को ये काफ़ी लाइक अच्छी लाइक यू नो अफोर्डेबल साइड लग रहा है. आई गेस काफ़ी वेज में हम इसे स्टाइल भी कर सकते हैं. नहीं ऐसे भी कितना प्यारा लग रहा है. आज सारे अनरियलिस्टिक टॉप्स ट्राई करके मेरे को तो देखो बहुत ही मज़ा आया एंड सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस बात का आया कि हमने उन्हें स्टाइल भी करके देख लिया. लाइक ऑलरेडी हमें पता चल गया ट्राई करते करते कि ओके इन वेज में हम इन्हें पहन सकते हैं एंड ये अच्छा भी लग ही रहे थे वैसे तो. तुम मुझे बता कि तुम्हारा फेवरेट अनरियलिस्टिक टॉप कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब, एक सेकंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं. बाय.